ये अपने पक्के दोस्त हैं भाई, हमको ये डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं। ओ टू क्लोज मैन। और देखो भाई साइड में जा रहा है, ओपन हो रहा है। लो जी देवी और सज्जनों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आइए आपको कुछ और दिखाते हैं, जिन्होंने वीडियो अपलोड करनी है, बनानी है, वो लोगों का हाल। हेलो पाजी, हेलो दीदी, हेलो अरमान। आ देखो भाई हाल है, आ जिन्होंने वीडियो बनानी है वो सुते हुए है। गुड मॉर्निंग। उठ गया ना टाइम ना। हाँ जी सुशंदर लोग अरमान चढ़ जी गला करियो। आयो वट हो गए चले या आ कम आया। ओ पाऊ चल जाना वे, चलिए चलिए। बड़ा मुश्किल था हमारे लिए ये डिसीजन लेना, लेकिन लेना पड़ा भाई। नहाने जा रहे हैं, टेम्परेचर पता कितना यहाँ पे, 3-4 डिग्री टेम्परेचर, 3-4 डिग्री। यहाँ पे शावर तो है, लेकिन शावर का स्विच कहाँ पे भाई ये मालूम ही नहीं पड़ रहा। देखो गलती से इसको हाथ लगा दिया ना, ये शावर का स्विच है भाई। ये शावर साबन है भाई, आओ सही आ गए सुधर रख गए हैं। भोले मल्ले के ऊपर मार्च के महीने में ऐसा मौसम होता है सुबह सुबह। आहा यादें ही रह गई यार, मालूम नहीं कब जाया जाएगा दोबारा। सांभो अपने सीक्रेट, सारा क्लीन कर दो इतो। हाँ पानी लगा ना, सारा क्लीन कर दो, क्लीन कर दो, चंगी तरह क्लीन कर दो। गुड बॉय, क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग इथे कर दो, इथे इथे कर दो गल पे। गुड बॉय। ये भाई इंजीनियर अरमान सिंह आए, ये अभी आइडिया लगा के बताएंगे कौन सी चीज़ साफ है कौन सी नहीं। ये देखो ये सर्वे करते हुए जगह का। पाव भाजी, पाव भाजी, $20 सब्जी गर्म हो चुकी है हमारी, पाव भाजी भाई वो बंद रेडी हो रहे हैं, वो चाय हमने बना के रखी हुई है। और आज का हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो पाव भाजी घर से बना के लेके आए थे। मैंने आपको बोला था ना हमारी फैमिली में खाने पीने का बहुत ख्याल रखा जाता है, जिस बंदे को किसी चीज़ का भी मालूम नहीं होगा उसको ये मालूम होगा कि हमने सुबह खाना क्या है क्योंकि फिटनेस फ्रीक है हम लोग। गोरे चाचे हमारे उधर बैठे हुए हैं, उनको मैंने बलिंदर बोल के आया भी आओ पाव भाजी बनाई है, आ नहीं रहे वो। आजो आजो पाओ 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 भाजी, पाओ भाजी, दस की प्लेट, दस का दो, दस का दो। पाओ भाजी 100 प्लेट इंडिया जब तक मैं बोलूंगा ना, स्क्रिप्ट देनी पड़ती हर एक चीज की। ओह माय गॉड, व्हाट इज दैट, की डिग पे रमन दी अनक काके ने नीचे फेंक दी। जिसका दिल नहीं लग रहा भाई कैंप इकट्ठा करो हमारे सामने आके। टेंट लगाना आसान है, टेंट को समेट के इसके वापस उसी जगह में फिट करना बड़ा मुश्किल है भाई। रुक जो, रुक जो। बस करो बो। थोड़ी जगह करो। ਲੱਦ ਲਿਆ ਮਾਲ, ਪਾ ਲਿਆ ਮਾਲ। ਬਸ ਓਏ ਆ ਕਰਦੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਲੋਕ। ਆ ਵਾ ਨਾ ਆ ਵੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਈ ਹੁਣ ਲੋਕ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਪੀਛੇ ਹੋ ਜਾ ਬਾਈ, ਆ ਜਾ ਇਧਰ ਆ ਜਾ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੋ। ਉਸਤਾਦ ਲੈਟੇ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਲੈਟੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਚੱਕੀ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਟੈਕ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਂ ਵਿਨੀ ਪੈਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕੇਲੀ ਕਾਰ ਹੀ ਆਰਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ।
इसलिए एक बार अच्छे तरीके से चेक करके देख रहे हैं भाई कि अगर कुछ होना है ना तो यहाँ पे हो जाए, इसलिए घुमा घुमा के देख लिए एक बार लेफ्ट और राइट। एक तो हमारी जो सीढ़ी है ना बलिंदर, हमने वो फोड़ने की, वो दे शीशे में। दो तीन दिन पूरा गंद मंद डाला है वॉशरूम के अंदर, उसको डंप करने का टाइम है, जाने के टाइम में डंप करके जाना पड़ेगा। वो बोलता था कि अगर आप लोग डंप नहीं करोगे तो मैं डंप कर दूंगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता यार, दैट इज नॉट ए गुड मैनर। उसने बोला था कि हर जगह में डंप स्टेशन होते हैं। हिमाचल हिमाचल किधर जाना, लेफ्ट राइट यहाँ से भाई, मनाली जाना था। टटिया डंप कर, टटिया किधर डंप कर, ये होता है भाई डंप का निशान। सर ये पोर्टेबल वाटर है भाई, यहाँ से आप पानी भर सकते हो अपनी आरवीओ में। फिलिंग ट्रेलर फ्रेश वाटर पर ड्रिंकिंग वाटर टैंक ओनली। यहाँ से ये देखो पाइप लगा हुआ है ना, यहाँ से पाइप निकाल के अपने आरवी में लगाओ नीचे वाले कनेक्शन को, और यहाँ से आप अपनी आरवी भर सकते हो। लेकिन डंप स्टेशन हमको अभी तक नहीं मिला। एक ये, एक मेरे को वो पानी वाला स्टेशन दिखाई दे रहा है। यही है ना डंप वाला, यही ये तो पानी वाला है, साफ सुथरा करने वास्ते पैसे रख। ओके देखी जरा मरी इधर कौन तो तेरे वालों का सारी। यहाँ पे बम फेंका जाएगा, बम नहीं गंद, गंद जहाँ पे गंद फेंका जाएगा। सीवेज डंपिंग स्टेशन डिस्पोजल इंस्ट्रक्शन एंड फ्लश अवे एनी स्पिलेज ऑन कंक्रीट पैड इनटू ड्रेन। मतलब कि वो बोलते हैं कि सारा काम जो बंदों के तरीके से करना है, गधों के तरीके से काम कोई नहीं करना। ये मिलने के लिए कि आपने कितना गंद डाला है। कई चीजों के ऊपर फर्क आ जाता है भाई, ये चीजें करनी पड़ती है। पहले काला आवाज आ रही है, आवाज नाल तो रोनी आई। आ तेरी कौन आई, तेनु तो नहीं आई होनी, इनके वो वाला जो ब्लू वाला पैप था ना, वहाँ से ड्रिंकिंग वाटर, ये देखो ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर कांटा मारा हुआ है। दैट मीन्स कि ये वाला जो पंप है, इससे सिर्फ अपना गंदा मंदा जो यहाँ पे वेस्टेज है ना, बाहर नहीं खड़ा करना कोई भी। जो ब्लैक होता है ना, ब्लैक से सारा गंदा मंदा पानी जो भी गंद मंद होगा वो निकलेगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, हम आपको बता देते हैं कि जितनी बार भी हम टॉयलेट गए, हमारे पास में शावर थे तो हम लोग वहाँ पे टॉयलेट गए, हमने सिर्फ यूरिन पास किया इसमें। सॉरी जित पिछे लंगी होगी छट देता मां, जमा कीता माल, इतना मीसी जमा कीता माल, कट देता माल। इतना छोटा सा ट्रिप पता क्यों किया है, इससे ये कन्फर्म होगा कि हम आरवी लेके जा सकते हैं। अभी आरवी लेके कहां दूर तक जाएंगे वो अभी आने वाला टाइम डिसाइड करेगा। और लास्ट थिंग जो होती है हमारी, ये होती है गंदा पड़ी है, चला हो बोला अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इनको। ये दे केबल सैटेलाइट भी लगी इधर, ये बारह केबल की तार लानी इधर, हर एक चीज है तकरीबन है ना। इन्होंने भाई पक्का ही ठेका मारा हुआ है, ये देखो कपड़े कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं पक्का। मतलब कि तीन दिन दो दिन से तो हम देख रहे हैं इनको ना, इनके पास में छोटी कार है, अभी ये कार लेके निकल गए, अभी आएंगे ये शाम को घूम गांव के आसपास। इनका तो पक्का ठेका मारा लगता है कि भाई महीने के कितने लोग हैं। किया है, किया है, किया है। लेट्स गो, चलो चलिए। जी लग गया था जाओ इतने नहीं नहीं चेकना चाहिए, ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए, सारा कुछ ठीक ठाक हो गया। शुक्र ऊपर ले रहा। हाँ चल गया। अरे ये नहीं है तो $10 दो, वो सच्ची मुची दे $10 दस 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 दस। मैं अभी तक एक ही चीज़ से हैरान हूँ कि मेरी फैमिली ने अभी तक ये बात क्यों नहीं की अभी दोपहर को क्या खाना है। हमारे पास तीन शब्द होते हैं, सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है और रात को क्या खाना है। गाड़ी घुमा ली हमने किनौरा की तरफ, किनौरा यहाँ पे एक ना छोटा सा टाउन है घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ अंदर से लेके जा रहे हैं। अगर कोई चीज़ दिखनी खाने पीने वाली तो डेफिनेटली उनको मौका दिया जाएगा सेवा का।
अपने भाई जा रहे हैं भाई ट्रकों वाले। यहाँ से शुरू हो जाओ भाई, ये सारा हमारा ऑर्डर है। 10 मिनट हो गए ऑर्डर दे रहे हैं। स्टीव टी हाफ कॉफी, हाफ कॉफी, ये 2 मिल्क, 2 हनी, 3 शुगर, 2 क्रीम, 1 चाय टी बैग, 1 अनदर मीडियम स्टीव टी, इस डबल डबल चाय टी बैग के नाल मेरे फ्रेंच वनीला भी कर दी, लार्ज फ्रेंच वनीला, 2 एक्स्ट्रा मिल्क ऐड कर। तू घर तो मैं थाना रहे अजय रह रखी आ अपनी गेरा आ गेरा नहीं मेरे। हां क्वार्टर कॉफी है मेरी है। 3 बैग मम्मी दे, 4 बैग तेरे रमन। मेरा नहीं भाई 4 बैग। रमन तू केड़ी चाय पीनी है? केड़ी चाय पीनी है? नहीं पीनी। ओके ओए ना मिठिया ना 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 मिठिया ना। ये अपने पक्के दोस्त हैं भाई, हमको ये डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं। पार्किंग में टैलेंट चेक करो, चेक करो। ਵਾਧੂ ਵਾਧੂ ਭਾਜੀ ਪਾਰ ਕਰੋ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਰਵੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਲੈਂਥ ਮੈਂ, ਇਸਨੇ 2 ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਆਰਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੀਛੇ ਸੇ ਚੌੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਭੀ ਤੋ ਮੈਨੇ ਲਗਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਗਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਗਾੜੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗਾੜੀਆਂ ਆ ਗਈ ਤੋ ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਮ ਐਸੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਏਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ। अभी 4 पार्किंग ब्लॉक हो गई, अभी हमारे लेफ्ट राइट में कोई लगाएगा नहीं और हमने निकालने के टाइम पे आसानी रहेगी। वो चैन सा नहीं आता यार ट्रकों वाले ना, फिर बाद में होता कि निकालने के टाइम में लफड़ा होगा। वैसे जब आपके पास में ऐसी कार और आरवी होती है ना, बहुत सारे बंदे कोचन करने से डरते हैं आपको, हो सकता है कोई मतलब की जेंटलमैन लोग हैं, क्योंकि ये हमारे दुनिया की ना सच्चाई है। ट्रक के ऊपर आप हो, ट्रेलर डाला हुआ है, दुनिया का नजरिया कुछ और होता है। हर एक बंदे की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी 20-30% लोग ऐसे हैं जिनका नजरिया कुछ और होता है ट्रकों के लिए। और वो देखो सिकुआ जा रही है आजकल ट्रेंडिंग पे भाई, लग दी ना निरी लैंड क्रूजर दे। 1, 2, 3, 4 भाई 4 पार्किंग ली है, 4 ही पर्चियां निकाल दी, सारी आगे बिछा के रख। अमीर लोग अमीर गल्ला अड़ी, अमीर लोग है नहीं भाई मजबूरी है। अगले उठा के ले जाएंगे, बाद में पैसे नहीं है देने के लिए उनको। मैं पता नहीं की हो गया, छाल मार दे लगे सारा टब्बर ही। नहीं नहीं मोबाइल में एक वीडियो चेक करो भाई, प्लेन नीचे उतर गया पानी में, सीधे ही पलटा दिया उसने, लेकिन बच गया। ओ उतर गया, ओए उतर गया पानी च, उतर गया, उतर गया। बाकी के शॉट आपको मिलेंगे वीडियो में, ड्रोन में, वीडियो ड्रोन में। कितना समझदार बच्चा है ना। अगर आप लोग विनीपेग साइड रहते हो तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि पूरे विनीपेग एरिया में सिर्फ आपके पास में सबसे ज़्यादा
पास वाला जो टाउन है घूमने फिरने के लिए वो है कनोरा, लेक ऑफ द वुड्स कहते हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा लेक है और थोड़ी बहुत ही माउंटेन्स भी है। विनीपेग है, वहां से माउंटेन सबसे ज्यादा पास 250 किलोमीटर दूर ये कनोरा टाउन में पड़ती है भाई। अगर आप वेस्ट साइड को जाते हो तो वेस्ट साइड में आपको माउंटेन तक पहुंचने के लिए कम से कम 13-14 घंटे चाहिए और यहाँ पे आने के लिए आपको सिर्फ 2.5 घंटे चाहिए। तो आप अपने परिवार को लेके यहाँ पे आ सकते हो जैसे हम लोग आए हुए हैं। ओ लगी 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 चेक करे हो लग जूगी लग जूगी भाजी लग जाएगी यार बहुत जगह मेनू आ मैं कहते इधरों कटी ना जाऊं मैं कोशिश कर दे चेक करे हो तो टू क्लोज मैन ओ पाजी निकाल ली बड़ी मुश्किल मुश्किल से। राजेंद्र देख रहा था कि तेरे को पकड़ाई होती तो आज रुकना पड़ता कनोरा में। मम्मी को तेरी ड्राइवरी का पक्का मालूम है इसलिए उन्होंने ऑप्शन दे दी कि हाँ कि टेंट लगा लेते यहाँ भी रात को अगर मनदीप गाड़ी चलाती तो। अबे भाई जैसे ही हम कनोरा से निकले एक घंटा गाड़ी चलाने के बाद में हमारा दिल बेईमान हो गया और हमने एक एक आइसक्रीम उठाई है। देखो आओ आइसक्रीम खाओ तो ही जैसे हो गया बंद। हाँ ना तो आप कभी लोग स्कूल में पढ़े हो तो आपको सीटें कहाँ मिलनी आ गई हमको पूछो हम इंटेलिजेंट बच्चे थे। क्या फायदा इतने इंटेलिजेंट होने के नलायक बच्चों की फिर से गाड़ी चला रहे हो नलायक बच्चों के लिए गाड़ी चला रहे हो यार ये पॉइंट हमारा से मैंने ये पॉइंट बिल्कुल सही लगा। हमला हो गया भाई हमला गीचों का काज नहीं है कालो सारा कुछ ठीक है भाई शुक्र है ऊपर वाले का बाबा जी का कुछ मेरे को टाइम लैप्स लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बंदे टाइम लैप्स कितना काम करने चाहिए अभी ऐसे 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 सारा सामान निकाल के गैरेज में। ये देखो सबसे मुश्किल बाहर निकलने वाला बंदा ये हमारी गाड़ी का वो देखो नीचे बैठी हुई है उधर देखो फर्श पे लेटी वो तार ना तोड़ दी देखो लेट लेट के आ रही है बाहर देखो इन्हें सीट देड़ देनी में आज के बाद ये सीट आगे पीछे जानी बंद हो जाएगी। ये अभी देखो सारी जगह फ्री पड़ी हुई है ना सामान पता इतना ज्यादा क्यों था हम डरे हुए थे एक्चुअली कि पहली बार जा रहे हैं मालूम नहीं वहां पे क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। हमारे साथ में बच्चा है हमारे साथ में माता जी बुजुर्ग हैं अभी खाने पीने का बाकी है ना खाने पीने का सामान तो हमारे पास इतना था कि हम सोच रहे थे कि आसपास में जितने भी कैंप लगे हुए सबको एक जगह में बुला लेते हैं कि भाई इधर ही आ जाओ हमारे पास बहुत है खाने के लिए। राज नहीं सेवा और देखो सारा जैसे हमने लिया था वैसे ही सिर्फ ये दो मक्खियां ऐड हुई हैं ये कनोरा से ही हमारे साथ में बैठ गई थी क्योंकि इन्होंने बोला था कि हमने विनीपेग जाना है तो हमने इनको राइड दिए विनीपेग तक दैट्स इट। ये लो मेरा पैर बाहर सारी क्लीन जैसे की तैसी अगले की आर्मी रेंट पे ली है यार उसको डीजल फुल करा के देंगे। ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਕਹਾਂ ਪਰ ਹੈ ਸ਼ਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੇ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ
Amazing. you guys are like pros. Oh yeah, tracker man. Yeah, I know. Can we see inside it? Yeah, of course. Yeah. इससे बड़ा शुक्रिया ऊपर वाला कुछ नहीं हो सकता भाई. सब कुछ ठीक ठाक हो गया. इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दिस पर्सन. हमको कुछ नहीं करने दिया इसने. जब हम वापस आए बोलता है यहाँ पे उतार दो भाग जाओ. सो दिस मैन टोल्ड अस लाइक लीव देयर एंड गो होम. इट्स वेरी गुड थिंग अबाउट हिम. दिस इज 20 फीट एंड दिस वन इज 34 फीट. 33 एंड हाफ. ये 18 फीट है. इसको डाल के हो जाता है 20 फीट. और ये भाई 34 फीट है. 34 फीट ये तो भाई लगता ही बहुत बड़ा है. अभी हम इसके अंदर जाएंगे. इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ यार इसका माहौल देखना अंदर से. मेरे को बाहर से ही ना वो दूसरे वाली फीलिंग सी आ रही है कि भाई ये पूरा लग्जरी होगा अंदर से बहुत ज्यादा. ये बेडरूम का डोर है भाई बाहर वाला. सो एंड ये वाला लिविंग रूम का. दो एंट्रीज है इसकी. आई वांट टू सी द चैनल. नो प्रॉब्लम. द YouTube चैनल. ओ ये इसकी भाई सीढ़ियां देखो अंदर. Here? Oh man, I got good in there. Okay, one second, it's okay. Come inside, man. Look at this, come inside, you'll see. But I'm not finished, look at this. Either. So come to the side, to the right. Oh can I my get the God, yeah, buddy. One second, look at this. Oh my God. Look how much room. Oh, look, side pe ja raha hai, open ho raha hai. Careful, that one. Yeah. No, don't worry. Okay. It's called a slide out. Oh yeah, slide out, huh? Yeah. You'll see how much room. Okay, when you park somewhere, you can slide out something. That's right, yeah. Yeah. My car is not good for this one. This is 10,000 pounds. So how much power we need to tow this? You need a car, yeah. So this is the only we can slide out or this one also? Only one slide out. Or come inside and see the bedroom. The other one, yeah. Oh. The master room. Yeah. On the left side. Oh. Yeah. Yeah. High speed Starlink internet. This is the master bedroom, bhai. Yeah. This is private bedroom actually. Yeah. And ये देखो sink लगा हुआ है बाहर. Yeah. और ये इसका shower हो गया. Shower. और ये इसकी seat है. और इसको door तो लगा ही होगा ना कहीं ना कहीं पे. ये भाई इतना portion अलग हो गया. So how many people can? 6 to 8 people. 6 feet, 2 people each. So 4 people in here. And look, this has a barn door as well for privacy. Huge kitchen, TV. Radio, yeah, totally luxury. Video games, luxury. Yes. Oven भी ग्रिल करने के लिए मिलती है. ये पूरा घर है. This is complete house. House it is. Yeah. This is complete luxury house. दो बंदे यहाँ पे सोएंगे. Oh yeah. See 6 feet. Two of them. दो यहाँ पे सोएंगे ऊपर. दो ही नीचे. चार हो गए यहाँ पे. ये रात को बेड बन जाएगा. और ये भी बेड बन जाएंगे. और सबसे बड़ी बात आप लोगों को मालूम है हम तो नीचे भी सो जाएंगे यहाँ पे. है ना. दो चार चार उधर दो उधर हो गए छह. एक दो यहाँ पे आठ और दो यहाँ पे दस. दस तो हमने ऐसे गिन दी है. I love it. Yeah, it's really nice. Like I said, लेकिन इसके लिए चेंज करनी पड़ेगी. सो वी नीड टू चेंज द कार फॉर दिस. वीयर से भी मैं इसको पुल नहीं कर सकता. इसको पुल करने के लिए हाफ टन चाहिए गाड़ी. और मेरे पास जो गाड़ी मेरे खाना क्वार्टर है. इसके पास में रैम 1500 है और वो भी क्वार्टर है. उसके लिए हाफ टन चाहिए. कम से कम 2500 रैम चाहिए. सो हाउ मच फॉर दिस. $200 a day. अगर आप इसको बुक करते हो ना भाई तो ये 50 किलोमीटर तक पूरे विनीपेग एरिया में. और हाउ मच चार्ज. $150 है डिलीवरी करने के. सो दैट इज टू गो एंड कम बैक. देयर गो कम बैक. इट्स सेट अप. इट्स ऑल प्रिपेयर्ड. यू जस्ट नो एट द बिगिनिंग यू जस्ट कम ब्रिंग योर स्टफ पर्सनल स्टफ राइट. व्हेन यू आर डन यू टेक योर पर्सनल स्टफ. यू लॉक द डोर एंड वॉक अवे. एंड वी पिक द ट्रेलर अप. Yeah, very nice. For having and doing the video. Okay, man. Too. No pleasure. Problem. Tomorrow I'll talk to you. Yes, yeah. Definitely. Brinder, पता क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई $100 से गेम रहेगी. भी वो वाला लेके जाना चाहिए था. भाई $100 से नहीं गेम रहेगी. अगर अभी गाड़ी चेंज करने जाएंगे ना तो मेरे ख्याल में $30,000-40,000 इसमें और डालना पड़ेगा तभी जाके आएगी वो दूसरी. मैंने अपनी गाड़ी के हिसाब से कैपेसिटी उठाई है. मेरे को मालूम था कि अपनी गाड़ी की यही कैपेसिटी है भाई. जब उसने स्लाइड किया ना भाई वो मेरे को पार्ट मालूम था जो हमारे साथ में पिका खड़ा था. हाँ, वो स्लाइड करके खड़े थे बाहर. इसके बाद में ये तो सब टो करने वाले हो गए. इसके बाद में आते हैं फिफ्थ व्हील वाले. जैसे हम ट्रकों का फिफ्थ व्हील होता है ना पिक्के के पीछे फिफ्थ व्हील लग जाता है. फिफ्थ व्हील में हुक करके आरवी लेके जाते हैं. फिर वो स्टाइल आ जाता है. इसमें पता क्या फायदा था. मोटर होम अगर आपने बड़ा ले लिया तो आप शहर के अंदर पार्किंग मॉल्स में नहीं घुस सकते. लेकिन इसमें क्या फंडा है. शहर के बाहर कहीं भी कैंप ग्राउंड में अपनी कैंपिंग करो. आरवी वहां पे ड्रॉप करो. अपनी गाड़ी उठाओ पिकअप उठाओ. अंदर जाके कोई भी शॉपिंग करनी है मॉल घूमना है सबसे आसान है. ये दोनों चीजों का अपना अपना फायदा है. और अभी हमारी घर में सब्जी खत्म हो गई. घर से रास्ते में सब्जी खरीद के जानी है क्योंकि लेडीज लोग थकी हुई हैं. सब्जी हमने कोई नहीं बनानी. फोन पे फोन आ रहे हैं उनके. चलो क्लैपिंग करो. क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग. शुक्र है भाई.
ये वाले बंदों से मोबाइल सीधा पॉकेट में मिलवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको लॉक लगा हुआ था, अगर खुला होता ना 22 साल का, मैं लॉक खोल के दूँ अभी देखना, ये भी लॉक मैंने खोल दिया है। मेरा मोबाइल कितने ले दे दो, ले दे दो, दे दो, दे दो, दे दो पापा का फोन, लाओ दे दो, इसे पालो, छेदी छेदी पॉकेट में पालो, इसे, इसे, चाचू ने तो मना ही हो, इसे, इसे पालो, सवाल नहीं पैदा होता भाई जी, लॉक खुला हुआ है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, फिर ना अपना और अपने माँ का ख्याल रखो, रख रखा, सब लोग सब मेंबर थके हुए भाई अपने अपने कमरे में, जिसने कैमरा पकड़ा हुआ ना उसके हाथ में कैमरा, देखो क्या कर रहा है, ऐसा 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 थका हुआ क्या कर, अच्छा जल्दी कर, जल्दी जो हमारा $500 ना डिपॉजिट किया हुआ था उस तरफ ज्यादा, वो कल सुबह वापस करेगा, वो अपना चेक करेगा कबर का ना, अगर हमने कोई नुकसान नहीं किया तो बाकी पैसे वापस आ जाएंगे। Hand in hand like left, right, left, right, oh.